सब गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड। वैसे तो आज रेस्ट डे है एंड मैं वीडियो डालने ही वाला था, बट आई रियलाइज कि आज हमारा कॉलेज में एक फेस्ट है जिसमें हमारा एक परफॉर्मेंस है, तो अभी मैं उसके लिए निकल रहा हूँ। इट्स 8 o'clock एंड आई डोंट नो फेस्ट वाले को प्रॉब्लम क्या, 8:30 बजे बुलाया एक गाने के फेस्ट के लिए। मेरी खुद की आवाज़ इतनी खुली है नहीं, सो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना गो, बट जो है वो है। तो जाते हैं एंड आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई परफॉर्मेंस एंड वो आपको दिखा देंगे। तो हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं वीडियो में क्या करेंगे। आई डोंट नो, आई थिंक आई एम गोना डू लाइक एक मेरे खाने की रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो आगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखो। सो या लेट्स गो। जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही तुमसे ही। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही तुमसे ही। शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही तुमसे ही। ना है ये बाना, भाई हमारा परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बढ़िया था एंड आई एम हैप्पी टू शेयर सेकेंड प्लेस। ऑल्दो मैं हमेशा जब भी कोई भी कंपटीशन में हारता हूँ, ऑलवेज एक्नॉलेज द फैक्ट कि आई वॉज नॉट बेटर देन द वन हु केम फर्स्ट। यहाँ पे ऐसा हो गया, जो फर्स्ट आई शी वॉज अ गर्ल एंड मेरे को कभी कभी लगता है कि यार आदमी एंड औरत को इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग ना कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जो वोकल प्रोफाइल होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है एंड उसके जैसे जो क्वालिटीज़ होती हैं टोन में वो बहुत डिफरेंट होती हैं एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू कंपेयर दैट। बट एनीवेज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सुंदर था, जैसा कि आपने सुन लिया होगा अभी तक। एंड वहाँ का इस बार साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा था मेरे कॉलेज का, नहीं तो लास्ट ईयर मैंने सेम कॉम्पिटिशन में परफॉर्म किया था, उसमें भी हमारा अच्छा रिजल्ट आया था, बट द साउंड क्वालिटी वॉज नॉट गुड। बट इस बार आई डोंट नो उन्होंने क्या अपग्रेड्स किए साउंड वाइज में, बट या वेरी वेरी गुड क्वालिटी अपग्रेड्स। मैं आपको मेरी जो ट्रॉफी प्लैक जो मिला वो दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। लुक एट दैट, अग्नियम हमारे फेस्ट का नाम था एंड मेरी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है ऊपर। बट यह बहुत सुंदर है। हम लोग कल के जो मैं बोल रहा था, जो कल का फेस्ट था ना उसमें भी हम लोग थर्ड प्लेस आए थे। सॉरी, कल परसों वाले में थर्ड आए थे, आज वाले में सेकेंड आए, आई मीन कल वाले में सेकेंड आए। वेट हुआ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी,
हाँ कल वाले में थर्ड आए थे, आज वाले में सेकंड आए, एंड आज हमको ये मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ये मिला एंड दे गॉट अ सर्टिफिकेट। बट जो कल वाला था उसमें हम लोग तीनों जो हमको स्टेज पे बुलाया कि यू आर फर्स्ट, यू आर सेकंड, यू आर थर्ड, बस हो गया, अब जाइए वापस घर पे। लाइक वो थोड़ा अजीब लगा मुझे कि नो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, लाइक मतलब यार थोड़ा तो करो यार, मतलब थोड़ा एफर्ट तो लो। बट यार दैट वाज प्रीटी मच इट। इसके बाद मैं अपनी बल्किंग शेक की रेसिपी डालने वाला हूँ, तो वो देख लो एक बार। भाई ये हमारे सोसाइटी का दिन है, ठीक है, ये हमारे घर पे आता है खाने के लिए, मैं तुझे दिखाता हूँ। फन ये लिफ्ट लेके ट्रांसपोर्ट करता है भाई, लाइक इतना उसको पता है कि हमारा घर कौन सा था, रहने भी उसमें ही जाएगा। लाइक लुक एट दैट, कितना कॉन्फिडेंटली भाई ने एंट्री कर लिया, तो बैठा रहेगा। उसको मालूम है किचन भी किधर है, ठीक है, देखो ये रहा, सी। पूरी शेक की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। पहले हम स्टार्ट ऑफ करते हैं अराउंड 50 टू 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स के साथ, जिसको हम एक फाइन पाउडर में ब्लेंड करेंगे, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। देन एक चम्मच चीनी या आप हनी भी यूज़ कर सकते हो, एंड एक से दो चम्मच पीनट बटर, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कैलोरीज यू वॉन्ट टू ईट, ठीक है। फिर इसमें हम डालते हैं एक स्कूप ऑफ वे एंड एक ग्लास ऑफ दूध, एंड हम इसको बंद करके मस्त एक मिक्सचर बना लेते हैं जिसको हम बाद में पियेंगे। तो शेक जो बनाया था उसके मैक्रोस कुछ ऐसे दिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले चाहिए। तो सारे जो फिगर्स हैं वो मैंने माई फिटनेस पैल से लिए हैं, तो वो गलत हो नहीं सकता। एंड या लास्ट टाइम जब मैंने फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो बनाया था, तब आई रियलाइज़ कि मैंने सब जो चीज़ें हैं वो माई फिटनेस पैल में ही डाल के कैलकुलेट करी थी, बट मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, एंड आई टाइप इट आउट माई सेल्फ। तो मैंने देखा कि यार मैंने खुद के लिए काम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। सो एनीवेज, इसकी जो पूरी रेसिपी है वो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा लिख के, अगर आपको चाहिए होगा तो। एंड सब मैक्रोस, यू नो, प्रोटीन, फैट, कार्ब सब लिखा है। या दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये टिप बस बिल्कुल मत भूलना कि ओट्स में बाकी सारी चीज़ें मिलाने से पहले ओट्स को एक बार ब्लेंड कर लो, ताकि उसका एक पाउडर बन जाए। अगर आप वो नहीं करोगे तो जब सब कुछ ब्लेंड करोगे साथ में, तो अगर आपका मिक्सर बहुत अच्छा था तो कोई बात नहीं होगी, बट ओट्स के चंक्स रह जाएंगे अंदर और वो मुंह में बहुत गंदे लगते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट, इसको बनाने में ना आप एक्सपेरिमेंट बहुत कर सकते हो। जैसे मेरे को पर्सनली, मैं ओट्स थोड़ा सा कम लेता हूँ और दूध ज़्यादा लेता हूँ, बिकॉज अदरवाइज वो बहुत थिक बन जाता है और मुझसे पिया नहीं जाता। तो अगर आपसे थिक पिया जाता है तो ओट्स ज़्यादा डाल लो, एंड अगर आपको ओट्स ज़्यादा ही डालने हैं बट आपको थिक नहीं पीना तो दूध ज़्यादा डालो, ठीक है। सो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ओट्स का क्वांटिटी एंड दूध की क्वांटिटी के साथ, एंड आपको जब परफेक्ट स्वीट स्पॉट लगे आप वो करो। यूजली जो ये मैंने ग्राम्स व्राम्स में डाला है ना, मेरे उसमें बेसिकली क्या है, मैंने अपने मेरे ग्लास में, मेरे घर में जो स्टील का ग्लास होता है ना, मैंने वो यूज़ किया है। मैं हाफ कप ओट्स डालता हूँ एंड जितना भी ओट्स है उसका डबल दूध डालता हूँ, सिंपल। तो हाँ बेसिकली वो था, बट अब वो मेरा घर का ग्लास और आपके घर का ग्लास सेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इसलिए मैंने ग्राम्स में सब करके डाल दिया है। सो या दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और कल के वीडियो में मिलते हैं एक नाइस फुल डे के लिए। तो हाँ, लेट्स गो।